माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। हिंदुस्तान में उस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति न शोभा देता है न चलेगी। तो आज गरीबी मिट रही है और विकास की धारा सब 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 गरीबों तक पहुंच रहा है। उनकी दीवारें भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। इस बार 40 सीट NDA जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम लोगों के मन में हैं। कर्नाटक के लोग विश्वास से भरे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। और उधर विपक्ष के लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में उस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति न शोभा देता है न चलेगी जो कांग्रेस वहाँ कर रही है। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो गरीबी हटाओ जो वो नारा था वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। देखिए, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी बढ़ती गई। और आप आंकड़े उठाकर देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लिए उस समय से यह गरीबों की सरकार रही और लगातार गरीब कल्याण के काम कर रही है और गरीब के जीवन में खुशी आ रही है। गरीब भी सोचते थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी। तो आज गरीबी मिट रही है और विकास की धारा सब 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 गरीबों तक पहुंच रहा है। उनके कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही है उससे जीवन में गरीबों के जीवन में खुशी आ रही है। नीतीश जी विपक्षी नेतृत्व के लिए जा रहे हैं, वो नवीन पटनायक जी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस पार्टी को, जिस महागठबंधन को एक सीट भी 2024 के चुनाव में आने वाला नहीं है, यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि तिवारी भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। और पिछली बार NDA 39 सीट जीती थी, इस बार 40 सीट NDA जीतेगी। जिस पार्टी को एक सांसद जीत कर नहीं आने वाला है उसको कौन पूछेगा, कौन पूछता है। ललन सिंह कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जो है बंसी बजा रहे हैं। देखिए, मणिपुर की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ घटनाएं घटी, उसको बड़ी ही तत्परता के साथ, बहुत ही सौहार्द वातावरण में वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ सब सुरक्षित है और वहाँ शांति व्यवस्था कायम है।